स्वागत है मेरी अगली वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फायरफॉक्स डार्ट 2.6D ट्रेल प्रो का ऑनेस्ट रिव्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली इसमें आपको ड्यूअल सस्पेंशन मिलता है, एक आगे का आपका है जूम का, मेड इन जापान, 75 mm इसका ट्रायल डिस्टेंस है, जो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और पीछे का भी मेड इन जापान है। ये सस्पेंशन मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा, पर ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं इधर की। ये आप देख सकते हैं, ये इधर गियर है, ये गियर है शिमानो टर्ने का। और इधर आप नीचे देख सकते हैं टर्ने टीजेड है ये। तो बेसिकली इसमें और भी ग्रेड्स आते हैं, जैसे शिमानो असेरा, अल्टस एंड सारम। तो ये सबसे लो ग्रेड है जो आपको 10 to 12,000 के साइकिल्स में मिल जाएगा। पर अगर मैं बोलता हूँ आपको, आप दूसरे साइकिल्स लीजिए जिसमें आपको मिलता है शिमानो अल्टस, असेरा या सारम। तो अब हम बात करते हैं टायर की। ये टायर आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। ये रैलसन का है, इसमें फायरफॉक्स का मुझे ओरिजिनल टायर मिला था पर मैंने चेंज करा दिया बाद में। तो अब आप आगे आ सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये टायर इस पीछे वाले टायर से ब्रॉड है। अब हम पीछे का साइड टायर देखते हैं। ये वाला टायर देखिए पतला है, ठीक है, पर ये मुझे अच्छा लगा है, बहुत काफी अच्छा दे रहा है। अब हम आगे वापस चलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये फायरफॉक्स का लोगो है, ओरिजिनल टायर है, और इसका टायर मुझे काफी अच्छा लगा। और ये है मेरा डिस्क ब्रेक, आप देख सकते हैं इधर से। तो ये डाउनहिल करते वक्त टूट गया और उसके जगह पे मुझे वी ब्रेक लगाना पड़ा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सीट की। ये है फायरफॉक्स का ओरिजिनल सीट जो काफी हार्ड है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी प्राइसिंग की। तो इसकी प्राइसिंग जब मैंने ली थी आपको, मुझे 17,000 में पड़ी थी, पर अभी इसकी प्राइसिंग है 15,500। तो आप जाके ले सकते हैं, पर इतनी अच्छी साइकिल नहीं है। तो अब हम आते हैं मॉडिफिकेशंस पे। आप ये देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक बेल है, ये स्पीडोमीटर का माउंट है पर अभी स्पीडोमीटर लगाया नहीं है। ये बेल है, ये वीब्रेक है शिमानो का, ये भी वीब्रेक है, ये 3 speed, ये 7 speed, एक पीछे का है और ये आगे का है। तो अब हम आपको बताते हैं, ये है स्पीडोमीटर का सेंसर और ये उसका मैग्नेट। जैसे ये मैग्नेट उसको सेंस करता है सेंसर को, तो उसमें आपका रीडिंग आ जाता है स्पीडोमीटर में। और ये है एक लॉक है, ये आप देख सकते हैं, अच्छा, काफी अच्छा लॉक है, टाइट है, बिल्कुल इसमें कुछ डिफेक्ट नहीं है। और ये आपको फ्री मिलता है ये लॉक के साथ ऐसे लगाने के लिए। और ये मडगार्ड है पीछे का, ये है एक्चुअली प्रो मडगार्ड है, ये आगे का जिसका प्लास्टिक का और पीछे का रबर का है। तो ये रबर काफी फ्लेक्सिबल है और आपके मडगार्ड को डैमेज नहीं करेगा। और आप देख सकते हैं आगे का भी वैसा सेम है, ये भी काफी फ्लेक्सिबल है और डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके बारे में, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये रिफ्लेक्टर्स लगाए हैं मैंने दोनों, एक मेरे को व्हाइट वाला पहले से मिला था और एक आगे भी लगाया, ये दोनों। तो काफी अच्छा है ऑनर साइकिल। तो अगर आपको ये सब एसेसरीज फिट करवानी है, जैसे ये ग्रिप भी आ गया इसमें, ये ग्रिप, तो आप इधर वागबिल साइड एक शॉप है राइडर साइकिल, उधर आप कॉन्टेक्ट करके पूरा डिटेल्स निकाल सकते हैं कि क्या प्राइसिंग रहेगा, कैसे कैसे है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ मैंने बहुत राइडिंग की है, 2 years ऑफ राइडिंग है मेरा इसके साथ। काफी अच्छी साइकिल है पर मेरे को इतना इसका सस्पेंशन इतना पसंद नहीं आया, आगे का ना पीछे का। तो ठीक है दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन। सो बाय दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में।